अब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं, कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय, काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले, अब तो लेके स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात, गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे, हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।
भी मेरे पास बस में असम के युवा आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 150,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया, जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। हमारी सरकार हमारे इस बात को नहीं समझ रही है, वो हमारे जुनून को खत्म करने पे तुली हुई है। बहुत मेहनत किया था सर, तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं है। सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया। मैं राहुल गांधी सर का वीडियो देखा था, तो वहाँ पे मिलने के लिए मेरा दोस्त लोग गया बिहार से, चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गया। जुआर में भी कोशिश किया था मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया भीड़ ज्यादा होने के बाद। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का अधिकार छीना गया। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा, लेकिन हम लोगों के साथ 9 साथी क्या है, अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए। हम कहा जाएगा अभी, ये हम सोचता रहता है दिन रात में। बताइए क्या बात सर। पुराना भर्ती जो आर्मी का था वो कैंसिल कर दिया। असम में भी था सर बहुत सारे बंदे। कितने? 10,000 से ज्यादा था, 10,000। और भर्ती देखने वाला तो लाख था। इधर पे 38 लाख ने अप्लाई किया था ऑल इंडिया में, तो पुराने भर्ती सभी कैंसिल कर दिया था। हम लोग ज्वाइनिंग था ये सर डॉक्यूमेंट्स, हम ये रन स्लिप है जो फिजिकल पास करने का देता है, उसके बाद जो मेडिकल के लिए मेडिकल पास का। 10,000 से ज्यादा बच्चा सभी कैंसिल कर दिया सर। 1,50,000 और एयरफोर्स का 1,50,000 people who got into the army, which is tossed out. But shouldn't they get some compensation or something? Shouldn't something be worked out for them? Well, ideally yes, because it is not their fault. सब बर्बाद कर दिया सर वो, इसके चक्कर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी छोड़ भी दी। तो आप सिलेक्ट हुए, आप बहुत खुश थे? बहुत खुश थे सर, परिवार में सब लोग खुश थे सर। पापा की आंखों में आंसू था सर, पापा ने मेरे को देखा तो रोया वो, तो मैं भी वहाँ पे बहुत। तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और आप? कहीं पे जो भी मिलता है वही काम कर लेता हूँ। आपको मिलने के लिए वहाँ पे गया था वो, लेकिन भीड़ जा रहा थी ना, नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे पीछे हम माजुली आया, माजुली से इधर आया। तो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में तो रेस कर सकते हैं, मगर और क्या कर सकते हैं? सर 9 साफी किया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बताता है कोविड का, ये बोलता है डिले। अच्छा पहले कोविड का मतलब एकदम नहीं बताया कि तुम्हें नहीं लिया जा रहा? नहीं नहीं एकदम नहीं। कितना टाइम घसीटा? दो साल 21 से 22 तक, पूरा 22 से 22 के अंत तक। अच्छा कहा कि आपको ले लेंगे, आपको ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे, अभी नहीं ले रहे, अभी 2 साल घसीटा, फिर 2 साल के बाद आपसे कहा कि नहीं लेंगे, सब कैंसिल। आपका नाम बोर्ड में कब आया था? 2020 में आया था? 2021 में? 2021 में? 2021 का बोर्ड? आप किसी से मिले क्या? राजनाथ सिंह से मिले। राजनाथ सिंह वो बोला कि भर्ती होगा, उन्होंने लेटर भी दिया था एक, वो भी लेटर मिलने के लिए गया था दिल्ली में, वो लेटर भी लिख के भी देता भर्ती होगा। तो यूपी में रैली हुआ था उस टाइम, हम लोग गया था, बोला कि भर्ती होगा, अभी तुम लोग का चिंता हमारी, ऐसा बोला था कैंसर, बाद में ऐसे धोखा किया। हम लोगों ने इतनी बड़ी गलती के बाद, क्योंकि हम लोगों भी आस्था कि ऐसा होगा, तो नहीं होना चाहिए। मनीष, ये जो स्टूडेंट्स आर्मी वाले हैं, हाँ, क्या प्लानिंग कर रहे हो? हम लोग जय जवान कैंपेन शुरू कर रहे हैं। व्हेन यू एंटर इन बिहार वी विल स्टार्ट दिस कैंपेन। नहीं मगर मैं चाहता हूँ ये जो है 150,000 है, हाँ, इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज करके, सो दैट वी पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गिव देम सम कॉम्पेंसेशन और अग्निवीर और समथिंग। दिस इज ओनली अबाउट 150,000 लोगों का जो जिनको जिनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, राइट। तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज बॉयज, लाइक अभी 4 लोग आए मेरे पास, यहाँ पे 700 लोग हैं, तो इनको सब इनका सबका इन्फॉर्मेशन लो, तो वेबसाइट लगाओ, सो दैट इनका जो इन्फॉर्मेशन है, नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये पेपर्स हैं, वो सब वहाँ डाल सकें। यस यस, एवरीथिंग दे वुड बी एबल टू अप्रूव। वंस वी हैव कलेक्टेड दोस, देन वी विल हैव अ, वी विल गो टू द डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हूएवर वी हैव टू गो टू। श्योर, बट मेक श्योर दैट दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। थैंक यू, शाबाश, थैंक यू, आप फिर से आए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, घबराओ मत। ठीक है सर, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। ठीक है सर।
I want you to be comfortable. I'm here to be your friend. I wanted to meet you in your university. But the Home Minister of India gave an order to the owner of your university that you dare allow this conversation. जब नमक से लेकर के तेल तक, कलम से लेकर के किताब तक, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, रोजगार किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, if everything has been deciding by the politics, let's decide our politics. I want to know that thing. How can you manage the pressures and the criticism? Can you come here a second? Yes, sir. Well, thank you for coming here. It's always interesting for me to come to the Northeast. Every day I learn and I see new things when I come here. So I'm here to answer your questions. So I'd like you to start by, you know, what you're feeling. My name is Ankit. I simply wanted to ask, like, how this Bharat Jodo Nyaya Yatra is going to include the students. What I think is that you really provided a hope for us. Can I ask you a question? What is a slave? Who is not allowed to think. Slavery is blind obedience. What the RSS is trying to do to India is trying to make sure that everybody is blindly obedient to what they say. Can a country function like that? I wanted to meet you in your university. I was not supposed to meet students in this closed little room, but the Home Minister of India gave an order to the owner of your university that you dare allow this conversation, because he's going to say things to those students that are going to make them think about what is going on in India. And the answer to this blind obedience is what? Resistance. Resistance because as an individual, I have my own view of the world. Not for the nation, for yourself, resist. Because it's your future you're talking about. How can you, sir, manage all the pressure, sir, and all those people's, all the negative aspect and the criticism? Can you come here a second? Yes, sir. So this is, now this is an idea, okay? Maybe this is him calling me an idiot or him saying I'm a fool, a nasty idea, right? And now he's got it in his mind, okay? So now, can you give it to me? Yes, he's now giving me the idea, right? Yes, sir. Okay, give it. Give it. This is very important for you. Give it. It's very, very important. Very important. Thank you. Right? So, please understand that any idea that comes to you, you choose to catch it. Point I'm making to you is, what you take away is up to you. You have a space called your mind. You control that space. Nobody else controls that space. So, what you have to learn is how to control that space. So, I do agree that resistance is the only apt reaction when faced with blind obedience. But I also think that in such a polarized climate, to be blindly obedient is the default. So to say that it should be on the individual to resist may not be a very fair expectation as well. So I feel like to expect that from the individual is not realistic. So how do we then make politically aware citizens? If there's a dark room, how many candles do you need to light it up? Even if one person walks out of here with it seriously in his mind that the person is going to resist, he'll have converted 100, 200 people outside. So it's infectious. What will it be for the first name that comes to mind when you say when India resisted against the British? What's the first name? Gandhi. Mahatma Gandhi. All Gandhi did out there was resist. Don't underestimate what you as an individual can do. The other way to look at it is that the idea of India is going through fire. It is going through fire to be further strengthened. Namaste Rahul Bhaiya. नमस्कार. लोग कहते हैं कि राजनीति में जाने के बाद अच्छे लोगों की जगह नहीं है, छात्र राजनीति से लेकर. तो युवाओं को आप राजनीति के विषय में क्या कहना चाहते हैं? कुमार भैया भी हैं, मैं उनसे भी सुनना पसंद करूंगा. अगर राजनीति इतनी बुरी है, मेरा एक सीधा सवाल है, फिर राजनीति ये क्यों तय करती है कि पोलियो का ड्रॉप किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? ये जितने राइट्स हम आज देख रहे हैं 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है वो राजनीति से मिला है. तो ये जो कहा जाता है ना कि राजनीति नहीं करना चाहिए, ये वही कहते हैं जो जिनके दिमाग में पहले से राजनीति है.
मेरा मानना है कि जब नमक से लेकर के तेल तक, कलम से लेकर के किताब तक, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, रोजगार किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इफ एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडिंग बाय द पॉलिटिक्स, लेट्स डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। बेस्ट वे फॉर मी टू not want you to enter somewhere is to tell you it's dirty, it doesn't work, it's useless, you have no future. So that's what's going on. They just don't want you to go in there. I feel like all students have opinions, all of them have things to say, but the biggest issue is that it's not considered as valid, it's not heard, we have no authority. But to be in this room with someone who has authority and actually be heard was nice. I think what Mahatma Gandhi did for India was something very commendable, and what Rahul Gandhi is doing now is something which will unite India. Bharat Jodo Yatra ek acha initiative hai aur isko aage leke jana chahiye aur main isi ki ummeed karta hu ki har log is yatra se jure aur isko aage leke jaye, logo ki baatein sune. ये है युद्ध, अन्याय के विरुद्ध. नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है. हर कीमत, हर हाल में हमें बदलाव लाना है. अब डरो मत, सहो मत और रुको मत. उठो, जागो, हक की इस लड़ाई का हिस्सा बनो, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का, न्याय की लौ जलाने का. तो आइए साथ न्याय के इस अभियान में और दीजिए अपना अमूल्य योगदान देश और न्याय के नाम. क्योंकि जब होंगे हम सब एक साथ, तभी तो मजबूत होगा न्याय का हाथ. न्याय की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें. अधिक जानकारी के लिए कोड को स्कैन करें. आपका योगदान न्याय का अभियान. बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं, कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय. काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर सुबह पे है ताने, बोल किस निताने, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले. अब तो लेके स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी की मन से
पूछो हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे पहुंचेंगे हर घर तक गली मोहल्ला संसद तक न्याय का हक मिलने तक न्याय का हक मिलने तक चली 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 भारत जोड़ो भारत छोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेंगे हम घर घर तक न्याय का हक मिलने तक।